अफताब टेल्स हिज डॉटर, अफताब जो है अपनी बेटी से क्या कहता है, सेवन ईयर एगो आई वॉज सेवन टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। अब देखिए क्या कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना एज का था, ठीक है। ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि अब से तीन साल बाद मैं तुमसे 3 गुना एज का रह जाऊंगा। इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ये इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है फैक्टर ये देखने को। क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखिए हम लोग यहां देख रहे हैं इस क्वेश्चन में दो लोग हैं, एक अफताब है और उसकी बेटी है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन होगा ना तो हमेशा प्रेजेंट एज की ही बात करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ अफताब बी एक्स ईयर्स। अफताब की प्रेजेंट एज क्या हमने ले ली, एक्स ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अफताब्स डॉटर बी वाई ईयर्स, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी एज वाले क्वेश्चन हो इसी तरह से बनाने होंगे आपको, प्रेजेंट एज को ही लेना होगा। आप देखो पहले ही क्या करो, आप एक तरफ एक्स लिख दो और एक तरफ वाई लिख दो। अब क्वेश्चन को पढ़ो, 7 ईयर एगो, तो देखो अभी जब प्रेजेंट एज अफताब का एज एक्स ईयर है और उसकी बेटी का वाई ईयर है, तो 7 ईयर एगो 7 साल पहले दोनों में से हम लोग 7 घटा लेंगे, तो 7 साल पहले चले गए हम लोग 7 घटाते ही। आई वॉज 7 टाइम्स, यानी कि अफताब अपनी बेटी से क्या करा कि 7 ईयर एगो मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा 7 गुना उम्र का हूं, अच्छा 7 गुना ज्यादा उम्र का, तो 7 से गुना कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन इक्वल हो गया, अफताब जो है अपनी बेटी से कितना है 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यह कह रहा ना क्वेश्चन में, चलिए तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस का 49, इनको एक तरफ करेंगे तो x माइनस का 7y माइनस 7 प्लस का 49 इक्वल टू 0, यानी आ जाएगा x माइनस 7y और प्लस का 42 इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब देखिए नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन में पढ़िए क्या कर रहा है, देयर क्या कर रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अच्छा अभी से 3 साल बाद, तो आप एक काम करो एक तरफ एक्स एक तरफ वाई लिख लो और दोनों में 3 साल जोड़ देंगे। देखो क्या है, ये इसका परसेंटेज है अफताब का, और वाई क्या है आपका अफताब की बेटी का परसेंटेज है, ठीक है। अब दोनों में 3 जोड़ेंगे तभी ना 3 साल बाद की बात होगी, परसेंटेज एक्स एंड वाई है तो 3 साल बाद, यानी दोनों 3-3 साल बड़े हो जाएंगे, तो 3-3 साल हमने जोड़ दिया। आई सेल बी क्या कह रहा है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि मैं तुमसे 3 गुना उम्र का रह जाऊंगा, तो 3 से मैंने यहां गुना कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू में 3y प्लस 9, इनको एक तरफ करते हैं तो एक्स माइनस 3y प्लस का 3 माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स माइनस का 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो हमने यहाँ पे ये दो इक्वेशन जो है ये हमने कैसे दिखाए हैं, अलजेब्रिकली दिखाया, अब ग्राफिकली दिखाना है हमें। चलिए तो अब हम लोग इसके ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली क्या होगा, ठीक है ग्राफिकली चलिए देखते हैं ग्राफिकली। फर्स्ट इक्वेशन पहले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक्स माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इन दोनों को उधर भेज देते हैं तो x इक्वल टू में हो जाएगा 7y माइनस का 42, अच्छा अब देखो हम लोग इसमें पुट करते हैं y के वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग इसके दो सोल्यूशन कम से कम निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 × 6 माइनस 42, तो 7×6=42 और माइनस 42 जीरो आ जाएगा। पुट y इक्वल टू 7 मान लो पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा
सेवन इंटू सेवन माइनस 42, तो 7 7 जा 49, और 49 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 49 में से 42 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना जी। 49 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। जो दो सॉल्यूशन इसके निकले हैं उसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। दूसरे वाले का भी इसी तरह से निकालेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। एक्स वाई, हमने वाई का 6 पुट किया तो एक्स 0, वाई का 7 पुट किया तो एक्स भी 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं, एक्स माइनस 3 वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर जाएंगे तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 3 वाई प्लस 6। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पुट करें y इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 0 प्लस 6 यानी 6 आ जाएगा। अगर हम पुट करें y इक्वल टू में माइनस 1 तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3 इंटू में माइनस 1 प्लस 6, या माइनस 3 प्लस 6 आ जाएगा आपका 3। चलिए हम लोग ऐसे चलेंगे ना, ताकि छोटे से छोटे वैल्यू आए आपके, ज़्यादा बड़े नहीं आए, उसी तरह से हम लोग इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आप 10, 15, 20, 25 ऐसे रखोगे तो बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने कहा कि छोटे से छोटा वैल्यू हम लोग निकले ऐसा वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई का। देखिए एक्स वाई, वाई हमने 0 पुट किया है तो एक्स का 6, और फिर वाई हमने माइनस 1 पुट किया है तो एक्स का 3 आ गया है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ पेपर लेकर ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो हमने ग्राफ पेपर ले लिया, अब इस पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो निगेटिव में तो ज़्यादा वैल्यूज है नहीं, निगेटिव में हमें ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, काफी है इतना। चलिए ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका x एक्सिस है तो x और इधर x डैश लिख दे रहा हूँ, और ये y एक्सिस है तो y और यहाँ y डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 काफी है, 1 2 3 4 5 6 7 काफ़ी है। निगेटिव में देखो -1 -2 काफ़ी है, -1 -2 काफ़ी है निगेटिव में। चलिए देखते हैं पहले के लिए, देखिए x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 यहाँ पे हो जाएगा, x का 7 y का 7 7 7 x का 7 y का 7 यहाँ हो जाएगा, ये ना हो जाएगा जी, बिल्कुल। अब इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन इस तरह से, ठीक है। चाहोगे तो आप ये जो वैल्यूज आएंगे उनको हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं, 7 7 और यहाँ पे आपका 0 6, ठीक है। और इसका इक्वेशन जो था क्या था जी, इसका इक्वेशन x माइनस 7 y प्लस 42 इक्वल टू 0। चलिए अब दूसरे वाले के लिए चलते हैं, देखिए आगे x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, और x का 3 y का माइनस 1, x का 3 y का माइनस 1 ये ना हो जाएगा। चलिए और इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, तो हमने यहाँ पर इसे दिखा दिया ग्राफिकली, आगे चल के ये आपके इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल नहीं है ये, आगे चल के ये दोनों इंटरसेक्ट कर लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, इंटरसेक्ट करेंगे करेंगे ना जी, बिल्कुल करेंगे। हम लोग बस ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, x माइनस 3 y माइनस 6 इक्वल टू 0, यही ना था जी, x माइनस 3 y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमने ग्राफिकली इसे दिखा दिया, और ऊपर हमने दिखाया था कैसे, ज्योमेट्रिक अलजेब्रिकली भी दिखाया था और यहाँ ग्राफिकली भी दिखा दिया, समझ गए।